सकते हैं। पूरा चिकना है, छोड़ पे ले चलते हैं क्योंकि ट्रेन बहुत फास्ट है भाई। ओ भाई, तो अभी पूरा स्टेशन आपको दिखाएंगे विद्यापति धाम का। देखिए ये मेन गेट हो गया, यहाँ से फिलहाल चलते हैं, आपको स्टेशन पूरा स्टेशन जो है दिखा देते हैं। भाई देखो हमको देख के हंस रहा, पता नहीं इसको क्या लग रहा है कि हम बुड़बक हैं या किस है, कि भाई पूरा मौज ले रहा है यार हमको देख के। तो भैया बताइए इतना हंस रहे हैं क्या हंस रहे हैं, लग रहा हो कि कोई गांव का लड़का ऐसे कैमरा लेकर तो है ना। तो आप शहर के हैं? तो ये जो हम अभी कैमरा लेके आपको स्टेशन दिखा रहा है, तो भैया दूर से देख के हंस रहे हैं, पता नहीं इनको मजा आ रहा होगा। नहीं क्या गाड़ी ग्लैमर लेके आए यार, पूरा रॉल में रेडी हो गया है, पूरा रेड रेड, हम दोनों का मैचिंग भी हो रहा है, कपड़ा सेम सेम ना भाजी। हेलो, वीडियो अपलोड कर सकते हैं ना? नहीं आपसे पूछ लेता ना। तो स्टेशन आ गए भाई, ये दोनों साथ में नहीं रहता ना, ये सानू और ये नमकीन नहीं रहता ना, तो घूम नहीं आते भाई। ओपी बना हुआ इतना मस्त है ना यहाँ का स्टेशन विद्यापति धाम का, यहाँ से देख सकते हैं पूरा कितना बढ़िया। इतना अच्छा तो स्टेशन ना लगता है पटना का नहीं है जितना अच्छा विद्यापति धाम का स्टेशन का ये जो फॉर्म जो बना हुआ है ना, इतना अच्छा तो पटना का नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं बैठने के लिए कितना बढ़िया बना है, मस्त। अगर आप विद्यापति धाम घूमने आए तो स्टेशन पे पूरा हो सकता है तो आपको कुछ रूम वूम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, और पूरा स्टेशन को ऐसे इस पे कुछ भी बिछा कर सो सकते, इतना मस्त है। यहाँ देख सकते हैं पूरा चिकना है, पूरा देखिए। यहाँ का विधायक जो है विजय कुमार चौधरी, उन्हीं का देन है जो इतना अच्छा विद्यापति धाम और मंदिर और स्टेशन बना हुआ है। वो देखिए यहाँ रहने के लिए प्रतीक्षालय बना हुआ है जिसको वेटिंग रूम बोलते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, इंग्लिश में वेटिंग रूम बोलते हैं। बहुत मस्त बना हुआ है पूरा स्टेशन विद्यापति धाम का, देख सकते हैं इतना ये वन है। ये देखिए पुराना स्टेशन ये है, देखिए आपको थोड़ा डाउन हो गया है, आपको नीचे करके दिखा देते हैं। ये देखिए ये है जो पुराना स्टेशन है, देख लेते हैं, पहले यही टिकट कटता था, अब थोड़ा नया बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं विद्यापति धाम जी का जो है फोटो मूर्ति बना हुआ है थोड़ा सा स्टेशन पे। यहाँ पे देखिए उनका जो लीला टाइप का, ये देखिए पुराना स्टेशन है जहाँ टिकट वगैरह कटता था, अब न्यू वाला आपको हम दिखा देते हैं। तो हम पहले ऊपर हो जाते हैं, न्यू वाला स्टेशन भाई। भाई अभी टिकट काउंटर दिखाते हैं न्यू वाला, पुराना वाला तो आपको हम दिखा दिए, न्यू वाला टिकट काउंटर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यही न्यू वाला टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट कट जाएगा क्योंकि पुराना वाला तो बंद हो गया, अब नया बना है। तो देखिए यहाँ से टिकट कटवा के अब सब जगह जा सकते हैं, बिना टिकट के नहीं जाइएगा नहीं तो आपको पकड़ लिया जाएगा। स्टेशन इतना बड़ा था ना, आते आते बहुत देर लग गया यार, देखो बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ से देखते जहाँ यहाँ आँख नहीं ख़त्म होता वहाँ तक है, देख सकते हो भाई बहुत बड़ा स्टेशन है। तो इस लास्ट छोर में आ गए हैं, राइट लेफ्ट साइड में जो लास्ट छोर है ना वो आया, राइट साइड वाला नहीं आया, मेन गेट से जो लेफ्ट साइड वाला है। तो बैठने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत सारा छोरा थोड़ा थोड़ा दूर पे देख सकते हैं बना हुआ है। ये लास्ट छोरा यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट वाला विद्यापति धाम लिखा हुआ है और वो साइड का भी शो कर रहा है। तो अभी वो उधर साइड वाला पूरा हम दिखाते हैं, ये क्रॉसिंग उस साइड रोड है और यहाँ से देखिए लास्ट यहीं पे होता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये लास्ट हो गया, लास्ट छोर दिखाएं। अब देखिए बहुत सारा यहाँ ट्रैक बना हुआ है पीछे विद्यापति धाम का, और ये देख सकते हैं इधर से शॉर्टकट रास्ता लास्ट साइड से यहाँ पे जो चौक है यहाँ से आ सकते हैं, जो आपको दिखा यहाँ पे चौक है, चौक से जो उधर मंदिर जाता है विद्यापति धाम, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से नीचे वाला सीन है, उधर से शॉर्ट रास्ता जो है ना यहाँ से दिखा रहा है, और जो गेट दिख रहा है वाइट कलर का, वहाँ नीचे वाइट में देख रहे हैं वो गेट है, और नीचे से ये शॉर्ट रास्ता यहाँ पर से है। अब वो साइड का प्लेटफॉर्म पे हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ट्रेन भी आ रहा है, तो हम उस साइड का छोर पे ले चलते हैं क्योंकि ट्रेन बहुत फास्ट है भाई। ये बहुत फास्ट वाला ट्रेन था, ये लास्ट छोर इसका आगे है, ट्रेन आने वाली है, भैया स्पीड में ट्रेन आ रहा है। यार बहुत फास्ट ट्रेन था, इतना स्पीड में भाग गया ना कि पता भी नहीं चला। अरे
स्टेशन में सब चीज का व्यवस्था है यार, यहाँ पे पानी का कल भी है, कल है, देख सकते हैं कल पानी जम जाता है, पानी जमा हुआ है, इसका कोई निकास लग नहीं रहा है, थोड़ा पानी जमा हुआ है, बाकी सब टंच है, देख सकते हैं आप, पीने का पानी के लिए बहुत बढ़िया लगा हुआ है, शायद इसमें लगता पानी नहीं है सिर्फ लगा हुआ है, लेकिन है व्यवस्था सब मस्त है, एकदम पूरा साफ रहता है यहाँ, पूरे स्टेशन साफ है विद्यापति धाम का, पानी पीने के लिए या रहने के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मस्त है, स्टेशन जैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा स्टेशन है, बाकी जगह स्टेशन के अपेक्षा यहाँ पे मस्त स्टेशन है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय।